जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 नवंबर 2020 करंट अफेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है ज्वाइन मेंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है। चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना यहाँ पर और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी की भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलने के साथ ही इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच भी मधुर संबंध की जानकारी मिलती है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के बाद भारतीय सेना का प्रमुख पदभार संभाला और वे भारतीय सेना की एक 4-स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वीं प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन कि क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन, ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए हैं यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 1000 मैच जो है 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपका सही आंसर है राफेल नडाल, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन एरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं और इनका जन्म 3 जून 1989 को स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद दूसरा राज्य बन गया है, तो कौन सा है, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है, तो दिल्ली आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पताल में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों की तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों की स्थिति का जायजा लेने के बाद एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में काफी तीव्रता की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और चार विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 4 नवंबर। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 5 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर आपका राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहन करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में भी कमी आ सकी। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की एक बारे में घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है, तो किन दो देशों की सेनाओं ने यह बताना है। पांचवा क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, चार विकल्प दिए गए हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बांग्लादेश और अमेरिका आपका राइट आंसर है। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से ओ कॉर्पोरेशन
अपलोड लोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 शुरू किया ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन दोनों देशों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। और इस कैरेट एक्सरसाइज विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी शामिल किया गया है। मौजूदा COVID-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम आवासीय प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्य के अनुशासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है इसका राइट आंसर? केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर यहां पर राजस्थान, विकल्प नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प लेने के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में पौंडुचेरी के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय की एक बयान में कहा गया है कि राजस्थान को विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4,604 करोड़ रुपए आदान प्रदान किए जाएंगे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% लाभ उठाने की छूट के तहत एक अन्य उधार के माध्यम से राजस्थान को अतिरिक्त 5,462 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हाँ, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपए के बीच बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए बढ़े हुए भत्ते प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने यहाँ पर, कि किस राज्य ने स्पंज, आयरन और स्टील क्षेत्र में विशेष निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो किस राज्य ने यह बताना है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज, आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजना में निवेश के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्पंज, आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है और इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन केवल बस्तर के लिए 1000 करोड़ रुपए मान्य होगा। इसका परियोजना का लाभ उठाने के लिए संबद्ध इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन शुरू करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, किस बैंक ने यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, 4 विकल्प दिए गए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है आखिरी में, उसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है। और इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2020-21 के जुलाई सितंबर दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का लाभ कर कटौती के बाद 52% बढ़कर यहां पर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है। SBI समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बढ़कर यहां पर 95,373.50 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 89,347.91 करोड़ रुपए थी। बैंक ने बताया कि 30 सितंबर 2020 तक कुल कर्ज के मुकाबले उसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 5.28% रह गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 7.19% थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह बताना है, तो किस देश के साथ यह बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि स्पेन। जी हाँ दोस्तों, एक समझौता, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद और प्रशिक्षण में वृद्धि से क्षमता निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजना भी शामिल हैं। ये आपका पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है, तो असम, सॉरी असम है यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर क्या है कि असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 5 राष्ट्रीय उद्यान को प्रमुखता मिली है। असम को प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर भी कहा जाता था। संस्कृत पर आधारित अलग राज्यों की मांग को लेकर 1968 में नागालैंड को, फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। असम की राजधानी शिलांग मेघालय राज्य में चली गई, जिसके बाद जो असम है इसकी जो दूसरी राजधानी दिसपुर राजधानी बनाया गया, असम की राजधानी को दिसपुर। और देखिए यहाँ पर क्या है आज का चैलेंज प्रश्न आपका कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विस्तृत लिखेंगे, आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंची। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए वहीं पर ज्वाइन मेंबर जो भी बनता है उनके लिए पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाता है, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।